तो और मेरे मित्रों, क्या हाल है? आई होप यार आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो यार आप सभी का स्वागत है एनिमे अपडेट्स का एक और एपिसोड पर। तो आज के इस वीडियो पर बहुत सारी अपडेट्स का इसमें लेकर आया हूँ एनिमे से रिलेटेड, जैसे कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 से रिलेटेड एंड नारुतो शिपुडेन से रिलेटेड भी मेरे पास एक न्यूज़ है गाइस, एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो आप लोग जानना चाहोगे। तो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट से देखना एंड चैनल पर जितने भी न्यू लोग होगा यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में, तो जैसा कि पता है गाइस कि कुछ दिन पहले ही अपडेट निकल कर ये आ रहे थे गाइस कि हमें आज के दिन यानी 6 जुलाई को हमें सोलो लेवलिंग सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली ट्रेलर आ चुका है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो आप कंचिरो उनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए वहाँ पर जो ट्रेलर दिखाया गया है वहाँ पे हमें रिलीज से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बताई गई है। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बताया था गाइस, और उसमें मैंने बताया था कि हमें फॉल 2024 तक हमें जो है देखने को मिल जाएगा सीजन 2। यानी यार आप लोग बस वेट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये लास्ट के 3 मंथ के अंदर ही जो है आपको इसका सीजन 2 देखने को मिल जाएगा, और आने वाले कुछ दिन के अंदर इसका ऑफिशियल रिलीज डेट भी रिवील कर दिया जाएगा। तो उसका आप टेंशन लेकर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं गाइस माय हीरो एकेडमी सीजन 7 से रिलेटेड। तो जो लोग भी माय हीरो एकेडमी सीजन 7 देख रहे थे तो उनको पता होगा यार कि हमें टोटल 21 एपिसोड्स माय हीरो एकेडमी सीजन 7 में देखने को मिलने वाले थे। तो तकरीबन आधे एपिसोड्स दिखा दिए गए थे गाइस, एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है यार कि इसका जो फेज 2 है वापस से शुरू हो चुका है, तो अब आगे के एपिसोड आप देख पाओ। अब बात करते हैं गाइस नारुतो शिपुडेन से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि फिलहाल के लिए जो अपडेट निकल कर ये आ रहा था कि गाइस सीजन 6 हमें कब तक देखने को मिल जाएगा, तो अपडेट वही है गाइस कि मतलब 80% चांसेस है कि हमें सीजन 6 इस मंथ के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी मैं बता दूं यार रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक सोर्सेस बोल रहे हैं या फिर लीक्स निकल कर ये आ रहे हैं कि हमें ये मंथ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जिन्होंने भी नारुतो शिपुडेन एपिसोड 1 से मिस किया है तो आपके पास एक फिर से अपॉर्चुनिटी है गाइस कि आप दोबारा से सीजन 1 से एपिसोड 1 से देख पाओगे। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये आप कहाँ देख पाओगे? ये आपका इस एनिमे लोकल चैनल पर देख पाओगे जो टाटा प्ले पर अवेलेबल है। तो यहाँ तक मुझे लगता है यार कि इन्होंने शायद से सोनी एक साथ टाइप कर लिया है, इसलिए हमें इस पर सोनी के सारे एनिमे लोकल चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही जल्द हमें एनिमे लोकल चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यार काइजू नंबर 8 से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि काइजू नंबर 8 का एपिसोड 11 एंड 12 को डिले कर दिया गया था, तो फाइनली आज से वो दोबारा से कंटिन्यू होने वाला है। तो आज के दिन आपको एपिसोड 11 देखने को मिल जाएगा, एंड 13 तारीख को आपको इसका एपिसोड 12 देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी सीजन 2 से रिलेटेड बात बता दूंगा, तो ये सीजन 2 भी ऑलमोस्ट मतलब इससे काम चल रहा है, तो सीजन 2 से रिलेटेड भी इसकी जो अपडेट्स है वो बहुत ही जल्द बाहर निकल कर आएगी। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब रख लो, जैसे ही कुछ अपडेट्स आते हैं तो आपको गाइस मैं जरूर जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आगे बात करते हैं विंड ब्रेकर के बारे में। तो जैसे गाइस सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें टोटल 11 से 12 एपिसोड्स है, एंड ये लगभग अब खत्म होने ही वाला है। तो 11 एपिसोड तकरीबन दिखा दिए गए हैं, एंड क्रंचीरोल ऑफिशियल्स की तरफ से एक अपडेट ये है गाइस कि इसका जो सीजन 2 है वो हमें अगले साल ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर इनके इंस्टा हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ पोस्ट कर दिया कि इसका सीजन 2 है वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। तो एंड लास्ट अपडेट ये है गाइस कि हमें कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे जो एनिमेस है वो हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज पे देखने को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट आपके सामने गाइस आप देख सकते हो, लिस्ट बहुत लंबी है, तो अगर नाम बोलने जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग यार ये पूरी लिस्ट को देख लो, एंड आई होप आपको ये सारे जो अपडेट्स है वो पसंद आए होंगे। एंड गाइस अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जितने लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बाय।